11 जुलाई हफ्ते की सुबह नांदेड़ शहरियान के लिए फिर एक मरतबा इंतहाई बुरी खबर के साथ हुई। डॉक्टर शंकर राव चौहान सरकारी दवाखाने में जेरे इलाज दो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की दौरान इलाज मौत हो गई। इस तरह नांदेड़ में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 27 हो चुकी है। कोरोना से फौत होने वालों में भोकर के तेली गली गांधी चौक की एक 33 साल खातून और नांदेड़ के भीमपुर का एक 28 साल नौजवान शामिल है। इसके अलावा नांदेड़ में आज 11 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज भी दस्तियाब हुए। इनमें नांदेड़ के टायरबोट इलाके का 32 साल शख्स, वजीराबाद का 64 साल शख्स, वाल्मीकि नगर नांदेड़ का 44 साल शख्स, बलिरामपुर दूध डेयरी का 28 साल नौजवान, बिलोली के नागनी का 30 साल शख्स, बिलोली के कोंडलवाड़ी का 26 साल नौजवान, भोकर के तेली गली गांधी चौक की 33 साल खातून, मुतखेड़ की 30 वो 45 साल दो खवातीन, मुतखेड़ के बाजार मोहल्ले का 40 साल शख्स, बायगांव देगलूर का 36 साल शख्स। इस तरह कुल 11 नए कोरोना पॉजिटिव के मामलात 11 जुलाई के रोज़ सामने आए। इन ताज़ा पॉजिटिव मरीजों के बाद नांदेड़ ज़िले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल तादाद 569 हो चुकी है। जुमा की शाम महकमे सेहत की जानिब से दी गई मालूमात के मुताबिक नांदेड़ में अब तक 358 मरीजों की सेहत में सुधार को देखते हुए इन्हें दवाखाने से डिस्चार्ज दिया गया है, जबकि 186 कोरोना पॉजिटिव मरीज़ अब भी नांदेड़ के मुख्तलिफ कोविड केयर सेंटर व दवाखानों में ज़ेरे इलाज हैं।